वेलकम फ्रॉम द स्टेडियम। और आज का जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा बिटवीन हलाल दी ब्लू और हराम दी वाइट्स के दरमियान में। हमने कल बात की थी कि बड़ी की क्रिकेट हो रही है, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं वेरी लो स्कोरिंग मैचेस देखने में आ रहे हैं। अगर पिच की हम बात करते हैं, ठीक है यार, पिच थोड़ा सा स्लो साइड पे है, ग्राउंड मैन ने भी थोड़ा सा दिल से नहीं बनाई है पिच, लेकिन स्लो साइड पे है। लेकिन जो चीज़ एक चीज़ बहुत अलग कर रही है कि जो मनुष्यत चाहिए ना बैट्समैनों के चेहरे पे, व्हेन दे कम इन टू बैट दैट मनुष्यत, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, जिसकी वजह से बड़े स्कोर इस पिच के ऊपर नहीं बन रहे हैं। अगर तो थोड़ी सी यहाँ पे एफर्ट दी जाए, ठीक है थोड़ा सा किया है ग्राउंड मैन ने भी कि पिच के ऊपर रोल ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन बैट्समैनों को थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी। और एक और जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे छक्के कम लग रहे हैं, थोड़ी सी बाउंड्री का साइज बढ़ा है ना, थोड़ा सा गाना होगा बैट्समैनों को यहाँ से। उस जोर की भी कमी नज़र आ रही है कि छोटे छोटे ग्राउंड के ऊपर तो वो छक्के मार लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ना तो यहाँ पे भी छक्के लग सकते हैं। तो आज मेरे ख्याल में जो टीम पहले टॉस जीतेगी यहाँ पे उनको बैटिंग करनी चाहिए, थोड़ा से यू नो जिसको हम कहते हैं ना सा डालें अपने अंदर। तो यहाँ पे बैटिंग करें और यहाँ पे 150-200 रन करें और मैच जीतें। लेकिन ओवरऑल जो मुझे चीज़ एक बॉदर कर रही है वो जो मनुष्यत बैट्समैनों के चेहरे पर नजर आ रही है।